अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो पुरुष होते हैं उनको एक दिन में 15 कप पानी जरूर से पीना चाहिए, यानी कि 3.7 लीटर वाटर। और जो महिलाएं हैं उन्हें 11.5 कप पानी जरूर पीना चाहिए, यानी 2.7 लीटर्स वाटर। एक दिन का कंजप्शन तो होना ही चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पानी को यूं ही पिए या फिर पानी को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी बनाकर पिए और साथ ही साथ टेस्टी। तो आज मैं जो वाटर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस के लिए साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने का ये ड्रिंक है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आप घर में मौजूद कोई सा भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ग्लास का जार लेना है, ग्लास का बॉटल जिसमें कैप लगी हो। तो आप कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखने वाला ले सकते हैं, या तो आपके घर में मौजूद कोई सा भी कुछ इस प्रकार का जार हो या फिर कोई भी बॉटल हो जिसमें कैप हो शीशे की, उसे ले लें। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ नींबू, या आप किन्नू भी ले सकते हैं, और इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गाजर, इसे भी पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। आज मैं आपको दो ड्रिंक बताऊँगी जिसे हम इन्फ्यूज़ ड्रिंक भी बोलते हैं, दो प्रकार से बनाकर बताऊँगी। यहाँ पे मैंने कुछ मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते लिए हैं, कड़ी के पत्ते लिए हैं। और तो चलिए आपको एक पहला ड्रिंक बनाकर बताती हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, आप कोई सा भी नॉर्मल वाटर ले सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का। और यहाँ पे मैं सारे लेमन या किन्नू जो भी हो आप उसे डाल दें। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमें हाइड्रेट रखने में, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो तो हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है जो भी पत्तियाँ मैं आपको दिखाई, पुदीने के पत्तियाँ और कड़ी लिप्स के पत्तियाँ। ये हमारे इम्यून को भी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और हार्ट बर्न की जो समस्या होती है उनको भी ठीक करता है, डाइजेशन में भी मदद करता है। और जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे हमें वर्कआउट के दौरान कोई इंजरी नहीं होती है और साथ ही साथ वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत जल्दी से ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों ये हमारे ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। तो इसे हमें 2 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रखना है, और आप उसके बाद भी इसे आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे अगर ओवरनाइट रखना है पूरी रात के लिए या फिर 2 घंटे से ज़्यादा, तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख लें, रेफ्रिजरेटर में ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसे सर्व कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो आप इसे 2 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ओवरनाइट इसे रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, उसके बाद आप इसे एक ग्लास में निकाल लें और साथ ही साथ ये इन्फ्यूज़्ड वाटर अगर आप बहुत देर पार्टी वगैरह के लिए रख रहे हैं टेबल पे दोस्तों के लिए, तो इसमें आइस डालकर सर्व करें ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलिए हम जानते हैं दूसरा इन्फ्यूज़्ड वाटर कैसे बनाएंगे, डिटॉक्स ड्रिंक आप इसे जो भी बोल लें। तो इसके लिए मैंने जार ले लिया है बड़ा सा, उसमें पानी डाल दी हूँ, कटे हुए गाजर को सारा डाल देना है। और यहाँ पे मैं डालूँगी तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो आप इसे ज़रूर शामिल करें और विद इन अ वीक आप चेंज महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।